आखिर कैसे कार्टून नेटवर्क हमारे टीवी से खत्म हो गया। एक वक्त था दोस्तों, सुबह से लेके शाम तक हर वक्त कार्टून नेटवर्क हमारे घरों के टीवी पर चलता था। कभी पोकेमोन तो कभी करिश द डॉग के लिए स्कूल से छुट्टी करना और बेबलेट वाले कार्टून से चैलेंज लगाना। लेकिन आखिर क्यों आज कार्टून नेटवर्क फेल हो गया है? इसके फेलियर से पहले इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में जानते हैं। टेड टर्नर जो कि CNN के मालिक हैं, 1991 में टेड कुछ नया करना चाहते थे तुम जैसे बच्चों के लिए, जिसके लिए उन्होंने बेटी को कार्टून नेटवर्क का प्रेसिडेंट बनाया। इसके बाद टेड ने मुख्तलिफ कंपनियों से डील की कार्टून के लिए। टेड ने दो मशहूर चैनल को TNT और TBS को कार्टून नेटवर्क में मर्ज कर दिया, जिससे बच्चों की मौज हो गई। उस वक्त तक ये इंडिया, पाकिस्तान और एशिया के मुख्तलिफ कंट्री तक पहुँच चुका था और लूने टून्स, हाना बारबरा और करिश द कावलरी डॉग जैसे कार्टून लोगों में मकबूलियत हासिल कर रहे थे। और देखते ही देखते कार्टून नेटवर्क अमेरिका के 3 बड़े चैनल में से एक चैनल बन गया। आखिर क्या हुआ जो कि कार्टून नेटवर्क आज हमारे टीवियों से खत्म हो गया है? आखिर क्यों इसके फेलियर के पीछे ऐसी क्या वजह है कि आज हमारे टीवी में कार्टून नेटवर्क नजर नहीं आता? अगर इसका पार्ट 2 चाहते हो तो बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी मारो। वो जो लाल बटन है ना, उसके साथ लाजमी लड़ाई झगड़ा करके सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।